आप सबके लिए मैं एक चिकन की मजेदार जो है रेसिपी बनाने वाली हूँ आज, जिसे आप चिकन पकौड़ा भी कह सकते हैं, आप चिकन फ्राइड भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ड्राई जो है बनता है और इसे आप स्टार्टर या फिर स्नैक्स में भी आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी बन के तैयार होगा। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल जायका शहनाज का। तो कैसे हैं आप सब, आइए सब ठीक ही होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही यम्मी है, आप इसे कभी भी किसी टाइम में भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। बस आप रेसिपी को लास्ट तक देखिए, रेसिपी को फॉलो करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आज आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला चिकन पकौड़ा बना के बताऊंगी। और स्पाइस भी है ये, और मज़ेदार भी है, क्रिस्पी भी है, और अंदर से बहुत जूसी बन के तैयार होगा। अगर चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ साथ अगर और भी मेरी रेसिपी आपको देखनी है तो जाके नीचे लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसे जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से ये वाली चिकन पकौड़े की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो जो है बोनलेस चिकन ले लिया है और उसे धो के अच्छी तरह से छान लिया है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो विथ बोन चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन ले लिया है एकदम बारीक कटा हुआ, 1/2 टेबल स्पून अदरक ले लिया है एकदम बारीक कटा हुआ। अब 3 से 4 हरी मिर्च इसमें डालेंगे बारीक कट करके, साथ ही डालेंगे करी लीव्स थोड़े से, इसको भी बारीक बारीक कट कर लेना है। फ्रेश हरा धनिया इसमें डालेंगे, उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। साथ ही मैं इसमें डालूंगी नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। 1/4 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। उसके बाद साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून मैदा, मैदा की जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून बेसन, बेसन जो है रोस्टेड बेसन मैंने लिया है, यानी कि बेसन को आपको हल्का सा भून लेना है, उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए। तो साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ रेड कलर का फूड कलर, इसमें सिर्फ चिकन का कलर अच्छा है इसीलिए ऐड कर रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद है तो स्किप कर दीजिए। साथ ही मैं डालूंगी 1 टीस्पून टमेटो सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, इसकी जगह आप रेड चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है मिक्स वेज पिकल, ब्रांड कोई सा भी हो आप ले सकते हैं, बस आपको पिकल का जो है मसाला लेना है, चाहे तो आप मैंगो पिकल भी ले सकते हैं, उसका मसाला मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून जितना। इससे क्या होगा ना, आपका जो चिकन पकौड़ा है बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और चटपटा बन के तैयार होगा। तो साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 अंडा, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 लेमन जूस। अगर आपको उतना खट्टा और उतना चटपटा नहीं चाहिए चिकन पकौड़ा तो आप लेमन जूस जो है स्किप कर दे सकते हैं, स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आपको इतना ही स्पाइसी और इतना ही मज़ेदार चटपटा चिकन पकौड़ा पसंद है तो आप इसमें लेमन जूस ज़रूरी ऐड करिए। तो सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, आप हाथों से भी कर सकते हैं या फिर स्पून की हेल्प से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। ये जो चिकन पकौड़ा है इसे मैरिनेट करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत ही इसे मिक्स करेंगे और फटाफट से गर्मा गर्म ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पकौड़ों का कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है, यानी कि चिकन का कलर। तो चलिए फटाफट से हम गर्मा गर्म ऑयल में इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल की जो तापमान है यानी कि जो हीटनेस है वो अच्छा गर्म होना चाहिए। गैस का फ्लेम जो है आप मीडियम टू हाई पे रखिए और अच्छे गर्म तेल में पकौड़ों को आपको डालना है। अगर ठंडे ऑयल में आपने पकौड़ा डाला तो आपका पकौड़ा जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, सारा कुछ जो है सब कढ़ाई में चिपक जाएगा और बिल्कुल भी क्रिस्प बन के तैयार नहीं होगा, सारा मसाला जो है ऑयल में बाहर निकल आएगा। तो इसीलिए गर्मा गर्म ऑयल में आपको पकौड़ों को डालना है, अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब तक कि पकौड़ा आपका क्रिस्प ना हो जाए तब तक को आप उसको फ्राई करिए, पकौड़ों को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, उसके बाद ही आप उसको फ्राई करके निकाल सकते हैं। और पकौड़ों का जो कलर है आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा आ रहा है, और ये पकौड़ा जो है बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है। सारी जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है सारे घर की है, अब ज़रूर से एक बार इसको ट्राई करिएगा। आप देख सकते हैं फटाफट से ये पकौड़ा फ्राई भी हो गया है। तो सारे पकौड़ों को इसी तरह से फ्राई करके हम निकाल लेंगे। आप इसे स्टार्टर में भी सर्व कर सकते हैं या फिर स्नैक्स में भी, अगर आपके मेहमान आ गए हैं अचानक से भी आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं। तो सारे पकौड़ों को फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ग्रीन चिली जो है इसमें फ्राई करके डाल देंगे और थोड़ा सा करी लिप्स को भी इस तरह से फ्राई करके डाल देंगे, क्योंकि कोई भी डिश खाने से पहले देखने में भी अच्छी होनी चाहिए, तो तभी ना आपके मेहमानों को लगेगा कि आपने कुछ स्पेशल बनाया हुआ है उनके लिए। तो इसी तरह से सर्विंग का तरीका भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो देख सकते हैं हमारा जो चिकन पकौड़ा है स्पाइसी चिकन पकौड़ा एकदम से रेडी हो गया है। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
तो फिर मिलूंगी एक नए मजेदार और अलग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।